अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना फैसल और आज मैं आपसे एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मेरे घर में बनती है बिरयानी की, और वो है स्पेगेटी बिरयानी। नहीं, आप नूडल्स या स्पेगेटीज़ को आप बिरयानी के साथ मिक्स करके बनाते हैं, और आई नो थोड़ी सी डिफरेंट है और ये मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। मुझे बहुत अरसा हो गया कुकिंग किए हुए, आई थिंक जब से फरमान हुआ तब से तो मैंने बिल्कुल कोई ख़ास कुकिंग नहीं की, लेकिन ये एक डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी थी और मैं सोची थी आपसे शेयर करूं। सो हेयर आई एम टुडे। हम इसमें हम अपनी स्पेगेटीज डालेंगे। वैसे तो बिरयानी सबको पसंद है, आलू की हो, चिकन की हो, मटन की हो, तो लेट्स स्टार्ट। इस तरफ हम अपने स्पेगेटीज जो हैं वो बॉईल करने रखेंगे। स्पेगेटीज आप कोई से भी ले सकते हैं, तो हम इनको बॉईल करने यहाँ रख देते हैं। मीनवाइल जब तक ये बॉईल होंगे हम चिकन का मसाला रेडी कर लेंगे। राइस मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हुए हैं, प्लेन वाइट राइस। तो इसमें से हम लेंगे, जैसे आप एक पैकेट में से हाफ निकाल लेते हैं, ऑयल, पानी, थोड़ा सा बीच में ऑयल डालेंगे, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून। बच्चों को ये बहुत मज़े की लगती है, बच्चों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। राइस जो मेरी क्वांटिटी है वो है 2 कप, और चिकन मेरा एक फुल मुर्गी आप कह लें, ये बॉयल होते रहेंगे। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं चिकन। ऑयल डालें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्याज रखते हैं बिरयानी में, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं रखती। ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज के। अच्छा, जब तक प्याज हो रहे हैं हम लहसुन अदरक को कूट लेते हैं। ऑनेस्टली मोस्टली तो यही यूज होता है कि आप कोई सी भी पेस्ट ले लें लहसुन और अदरक की, बाजार में आम मिलती हैं, लेकिन जब कभी कभी मैं खाना बनाती हूँ तो फिर आई फील दैट के थोड़ा सा इसको लाइक प्योर करें, फ्रोज़न ना हो। तो ये चीज़ें सिर्फ मैं जब कुकिंग करती हूँ तब इस्तेमाल होती हैं। लहसुन आपने तकरीबन 2.5 या 3 टेबल स्पून आपने डालना है, और इसमें अदरक है, अदरक 1 टेबल स्पून। तो ये वो चीज़ है जो घर में होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हमें इधर भी देखना है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, अब हम इसमें डालेंगे चिकन। वन फुल चिकन इसलिए क्योंकि हमारे चावलों की क्वांटिटी है वो 2 कप है, और फिर ये स्पेगेटी भी है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तो हम 2-3 मिनट भूनेंगे। ये भी ऑलमोस्ट होने वाली है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। वही बात है, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है या टाइम नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं। ये तकरीबन आई थिंक लहसुन और अदरक दोनों मिला के होगा कोई 2-3 टेबल स्पून। और फिर हम इसमें टमाटर भी डालेंगे, टमाटर थे 3, ना बहुत बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। पानी मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि टमाटर में होता है, बाद में अगर मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे डालना है तो मैं और डाल दूँगी। तो अब हम इसको चिकन को गलने देंगे थोड़ी देर। ओके, हम इसको देख लें, हमारे नूडल्स बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ऑलमोस्ट डन, आई थिंक 5 मोर मिनट्स और फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। चले अब हम वेट करेंगे कि चिकन गल जाए। चिकन
चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल गया। इसके अंदर दही हम डाल रहे हैं 1 कप। ओके, अब मैं इसमें अब डालूंगी लहसुन। कुछ लोग डालते हैं पहले, जब वो प्याज और डालते हैं उसके बाद चिकन डालते हुए या चिकन डालने के फौरन बाद, लेकिन मैं डालूंगी अब। ओके, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी मसाला। अच्छा, मसाला जो मैं डाल रही हूँ, कुछ लोग स्पेशल बिरयानी का मसाला बनाते हैं अपने ज़ाती मसाले, नमक मिर्च या जो भी उनको चीज़ें डालनी होती हैं, लेकिन मैं इसमें बिकॉज आई एम नॉट अ कुक, मैं वो प्रोफेशन में बहुत कम कुक करती हूँ, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये डब्बे वाला मसाला। कोई सा भी मसाला आप ले लें, प्लेन बिरयानी का चावल हैं और थोड़े से स्पेगेटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मसाला, बिकॉज दैट वुड बी इनफ। अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर। ओके, सो हियर वी आर, हम इसको कवर कर देंगे और हम थोड़ी सी आंच हल्की रखेंगे। स्पेगेटीज हमारी बॉयल हो गई थी और वो मैंने निकाल ली हैं। इनके ऊपर पानी से इनको इसलिए करी तो ठंडा हो जाए और फिर साथ में चिपकेंगी नहीं। वेरी नाइस, नाइसली डन। राइस बॉयल मैंने करवा लिए थे और हमारी स्पेगेटीज और ये हमारा बिरयानी मसाला, इट्स डन। ओके, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ चूल्हा। कोले के साथ मैं इसको दम दूंगी। जैसे देखिए मसाला हो गया, इसके अंदर रखूंगी और फिर उस पर कोयला रखूंगी और बस दम दे दूंगी 3-4 मिनट का, दैट्स इट। और उसके बाद फिर हम इन तीनों चीज़ों की लेयर्स करेंगे। कि जैसे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा बर्न होगा, इसमें से धुआं निकलना चाहिए, धुआं निकलेगा तो फिर आप इसमें रखेंगे। तो हम इसमें रखेंगे इसे ऐसे, ठीक है। और कोयला आप देखें, इट्स रेडी। और इसको डालेंगे इसमें और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और बस फौरन से ये दे देंगे ढक्कन। चावल देख कितने अच्छे बने हैं। मैंने थोड़ी सी मसाले की लेयरिंग करनी है। फिर हम थोड़े से राइस और फिर हम स्पेगेटीज डालेंगे, ज़्यादा नहीं बिकॉज हमें लास्ट में भी थोड़े से राइस ऊपर डालने हैं। अब हम इस पर डालेंगे स्पेगेटीज। के बच्चों को ना नूडल्स, स्पेगेटीज, पास्ता ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो अगर आपने उनको डबल ट्रीट देनी हो ना तो ये बेस्ट है। अच्छे से करेंगे मसाला। हम इस पर लास्ट अपनी हल्की सी लेयरिंग करेंगे राइस की। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग, क्योंकि बिरयानी में फिर ये कलर तो बड़ा मज़े का लगता है। देखिए आप इसकी ये कर दें गार्निशिंग, फिर हम करेंगे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं इसको हल्का सा चूल्हे पे 2-3 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो ज़रा वार्म हो जाता है। तो जी, हमारी ये बिरयानी, स्पेगेटी बिरयानी, इट्स रेडी एंड इट्स क्वाइट वार्म। लेट्स सी,
ऑफ कोर्स इज हॉट आया, तभी तो बनी है. तो हमारी ये स्पेगेटी बिरयानी रेडी है और आपको मैंने दिखाया था अभी, तो हमने सारा मिक्स कर दिया है. सो गुड. तो हमारी ये स्पेगेटी बिरयानी जो हमने आज बनाई है, क्योंकि आयत को बहुत 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 पसंद है, तो आई होप आप सबको भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी जब मुझे पता चला था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी. और अब तो ये बहुत आराम से बहुत इजीली बन जाती है घर में. सो आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगी कमेंट्स के अंदर. एंड एक और रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा आती है, वो है कीटो केक की, क्योंकि मैं कंट्रोल कर रही हूँ डाइट पे, तो अक्सर मेरी स्टोरीज पे आप लोग देखते हैं, तो मुझे उसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है. और नेक्स्ट मैं वही बनाऊँगी, कीटो केक, आप सबके लिए और स्पेशली फैसल के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.